बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे 1KD का जो 35 पिन ग्रिप है। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ये 31 पिन, इसके साथ ही एक और 35 पिन ग्रिप है। ये भी डैशबोर्ड से आता है, जिसमें बाकी जो डैशबोर्ड के कुछ तारें हैं वो आती हैं। इसकी पिन आउट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे दोस्तों। जो 35 पिन ग्रिप है, इसका जो पहली लाइन है यानी पहला स्टेप है, उसमें 6 तारे आती हैं। 6, और जो दूसरी लाइन है उसमें 10 तारे आती हैं। तीसरी लाइन में 11 तारे आएंगी। और जो चौथी लाइन है उसमें 8। पहली जो लाइन है उसके जो एक नंबर तार है वो खाली है, 2 नंबर तार पे बैटरी आता है। बैटरी मतलब मेन करंट जो बैटरी से डायरेक्ट आ रहा होता है। पहली लाइन के जो बाकी तारे हैं वो सारी खाली हैं। दूसरी लाइन की भी सारी तारे तकरीबन खाली हैं 7 नंबर तक। 8 नंबर जो है वो आता है ST1। ST1 जो है ये ब्रेक स्विच के तार है। जो 9 नंबर है उस पे आता है STP। STP भी ब्रेक स्विच के तार है। 10 नंबर खाली है। तीसरी लाइन में एक नंबर जो है वो है SPD। SPD जो है ये स्पीड मीटर का सिग्नल है जो मीटर से आता है यहाँ पे। 2 नंबर जो है AC1 और 3 नंबर ACT। ये 2 तारे जो हैं AC1 और ACT, ये जो AC का जो मॉड्यूल लगा होता है अलग से, वहाँ से आती है, या अक्सर गाड़ियों के पैनल में होता है ये मॉड्यूल ही होता है। ये दोनों तारे वहाँ जाती हैं। इसके अलावा बाकी सारे तारे इसमें खाली हैं। दोस्तों ये जो ST1 वाली तार है इसमें ऑलरेडी करंट आ रहा होगा, इग्निशन का करंट। जब आप ब्रेक प्रेस करेंगे तो यहाँ से करंट गायब हो जाएगा और STP में करंट आ जाएगा। जब आप ब्रेक वापस छोड़ेंगे तो STP से करंट गायब होकर वापस STA में आ जाएगा।